English. Students want to read this now. They are reading chapter number 25, colors. Chapter number 25 क्या है? Colors. देखो market number 52 में है colors. क्या है? 52 में है हमारा chapter number 25 colors. Colors क्या है? फिर सब चीज का एक colors होता है कि नहीं? सब चीज का एक एक colors होता है. हाँ, देखो ये हमारा red color. ये कौन सा color है? ये red color है. ये कौन सा color है? Red color है. ये green color है. Green color कौन सा है? आप लोग green देखिए और green का जो पत्ता रहता है जो leaf है वो कौन सा color है? वो green color का है. कौन सा color है? वो green color है. ये देखो ये blue color है. ये कौन सा color है? ये blue color है. ये देखो yellow color. सनफ्लावर भी येलो कलर का है. ये देखो ऑरेंज कलर. ऑरेंज आप लोग खाए हो जो ऑरेंज कलर है वो है हमारा ऑरेंज जो है फ्रूट ऑरेंज वो है ऑरेंज कलर का. क्या है? ऑरेंज कलर का. वो ये देखो व्हाइट कलर. नीचे देखो चप्पल सा कलर है व्हाइट कलर है. चप्पल सा कलर है व्हाइट कलर है. ये देखो ब्लैक कलर है. हमारा हेयर जो है ये हेयर कौन सा कलर है? ये हेयर कौन सा कलर है? ब्लैक कलर का. वाह देखो ये हमारा रेड कलर है. आप एप्पल खाए हो? एप्पल एप्पल कौन सा कलर का होता है? एप्पल रेड कलर का होता है ना. देखो ये ग्रीन कलर. आप लोग ट्री देखे होंगे. ट्री जो है वो ट्री का पत्ता जो लीफ है वो कौन सा कलर है? वो ग्रीन कलर. पैरट देखे हो आप लोग? पैरट कौन सा कलर का होता है? पैरट ग्रीन कलर का होता है. ये देखो ब्लू कलर का. ब्लू कलर का ड्रेस आप लोग पहनते हो. टी शर्ट भी पहनते हो है. येलो कलर देखो. सॉन देखे हो? सॉन है सूरज. वो कौन सा कलर का होता है? येलो कलर का होता है. और सनफ्लावर सनफ्लावर भी येलो कलर का होता है. ऑरेंज कलर ऑरेंज ऑरेंज जो फ्रूट है ऑरेंज आप लोग खाए होंगे. वो जो ऑरेंज है उसका कलर क्या है? ऑरेंज कलर का है. व्हाइट कलर ये देखो व्हाइट कलर. ये जो कौन सा कलर है? व्हाइट कलर. तीन है ब्लैक कलर. ब्लैक कलर हमारा हेयर जो है देखो मेरे हेयर को देखो ये है ब्लैक कलर. तो क्या तो स्टूडेंट्स हम लोग कितना कलर सीखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज व्हाइट ब्लैक. अभी हम लोग क्या करेंगे? कलर्स का नाम अपना कॉपी में लिखेंगे. देखो कलर्स नेम लिखेंगे. क्या करेंगे? कलर्स नेम लिखेंगे. कितना कलर्स है देखो? रेड रेड. नंबर टू में है ग्रीन. थ्री में है ब्लू. बी ए डी ब्लू. फोर में है वो येलो. वाई एल ए डब्ल्यू येलो. फाइव में है ऑरेंज. तो स्टूडेंट्स आप लोग कलर को कैसे पहचानोगे? देखो
ये हमारा रेड कलर, ये कौन सा कलर है, ये रेड कलर, और ये है ग्रीन कलर। रेड कलर एप्पल देखे हो, एप्पल आप लोग खाते हो, एप्पल कौन सा कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर लीफ देखे हो आप लोग, ग्रीन का जो लीफ होता है वो कौन सा कलर का होता है, वो हमारा ग्रीन कलर का होता है। और पैरट देखे हो, पैरट कौन सा कलर का होता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है। ब्लू कलर, ये हमारा ब्लू कलर, ब्लू कलर का टी शर्ट और फ्रॉक आप लोग पहनते हो, है कि नहीं। ये येलो कलर, सनफ्लावर जो है वो हमारा येलो कलर का होता है, और ये ऑरेंज कलर का, आप लोग ऑरेंज देखे हो, ऑरेंज खाते हो तो ऑरेंज कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। व्हाइट कलर, ये हमारा व्हाइट कलर, जो कौन सा कलर है, ये जो है व्हाइट कलर की। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर कौन सा है, ये जो हमारा हेयर है, हेयर कौन सा कलर है, ये हेयर कौन सा कलर का है, ब्लैक कलर का है। और ये है हमारा पिंक कलर, ये कौन सा कलर है, ये पिंक कलर। हो गया, तो कितना कलर हम लोग लिखे हैं, एट कलर लिखे हैं, क्या क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लैक एंड पिंक। इसको क्या करोगे, अपना इंग्लिश कॉपी में आप लोग लिखोगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग कितना कलर सीखे हैं, एट कलर सीखे हैं, क्या क्या है, रेड आर लिखी रेड, ग्रीन जी आर लिखी ग्रीन, ब्लू बी एल ग्रीन ब्लू, येलो वाई एल ओ डब्ल्यू येलो, ऑरेंज ओ आर ए जी ऑरेंज, वाई डब्ल्यू एच आई टी वाई बी एल एस के, ब्लैक बी आई एन के पिंक। हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्सरसाइज करेंगे। कलर साथ में पहचान लिए, कौन सा कलर क्या है पहचान लिए, जब कौन सा कलर है, जब हमारा व्हाइट कलर है, वह हमारा हेयर कौन सा कलर का होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, वह पैरट कौन सा कलर का है, पैरट ग्रीन कलर का है, एप्पल कौन सा कलर का है, एप्पल रेड कलर का है। अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्या लिखेंगे, द पैरट इज
ग्रीन, देखो सूच कौन सा कलर का है, ऑरेंज कलर का है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सूच आर ऑरेंज, द सूच आर ऑरेंज। हाँ, यहाँ पे तीसरा कौन सा कलर का है, ये ब्लू कलर का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माय टी शर्ट इज ब्लू, माय टी शर्ट इज ब्लू। देखो यहाँ पे बैलून है, बैलून कौन सा कलर का है, येलो कलर का है, तो क्या लिखेंगे, द बैलून इज येलो, क्या लिखेंगे, द बैलून इज येलो। हाँ, फ्रॉक कौन सा कलर का है, फ्रॉक हमारा व्हाइट कलर का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फ्रॉक इज व्हाइट, द फ्रॉक इज व्हाइट। अभी हम लोग रेनबो में इसको लिखेंगे, हाँ, द एप्पल इज रेड, द एप्पल इज रेड, आर इज रेड। हाँ, द कैट इज ब्लैक, बी एल ए सी ए ब्लैक, द कैट इज ब्लैक। हाँ, द सन इज येलो, वाई एल एल ओ डब्ल्यू येलो, द सन इज येलो। द पैरट इज ग्रीन, द पैरट इज ग्रीन, जी आर ई एन ग्रीन, द पैरट इज ग्रीन। द स्विच आर ऑरेंज, ओ आर ई एन ऑरेंज। हाँ, माय टी शर्ट इज ब्लू, माय टी शर्ट इज ब्लू। हाँ, द बैलून इज, द बैलून इज कौन सा कलर का है, देखो ऑरेंज कलर का है, कौन सा कलर का है, ऑरेंज कलर का है। द फ्रॉक इज व्हाइट, तो क्या है, ये हमारा एक्सरसाइज पेज नंबर 52, कौन सा कर रहे हैं, पेज नंबर 52। तो क्या इस बार तो बुक में भी लिखोगे और कॉपी में भी लिखोगे, इसमें करोगे बुक में भी और कॉपी में भी लिखोगे, हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या लिखो, द एप्पल इज रेड, द एप्पल इज रेड, द कैट इज ब्लैक, द कैट इज ब्लैक, द सन इज येलो, द पैरट इज ग्रीन, द शूज आर ऑरेंज, द शूज आर ऑरेंज, माय टी शर्ट इज ब्लू, माय टी शर्ट इज ब्लू, द बैलून इज ऑरेंज, द बैलून इज ऑरेंज, द फ्रॉक इज व्हाइट। हां, ये हमारा एक्सरसाइज पेज नंबर 52, अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। देखो मेरी क्या कलर्स लिख दिया नेम, अभी हम लोग क्या करेंगे, कलर्स के साथ हम लोग उसका नेम को मैचिंग करेंगे। देखो ये है ग्रीन कलर, ये है येलो कलर, ये है ब्लैक, ये है ब्लू और ये है पिंक। यहाँ पे दिया गया है ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पिंक एंड येलो। तो स्टूडेंट्स ग्रीन कलर कहाँ है, देखो ये है ग्रीन, ग्रीन कहाँ है, देखो नंबर सी को देखो, जी आर ई एन ग्रीन, क्या लिखा है, जी आर ई एन ग्रीन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर वन को सी के साथ मैच करेंगे, क्या करेंगे, नंबर वन को सी के साथ मैच करेंगे, हो गया। नंबर टू में है येलो, नंबर टू में क्या है येलो, और येलो कहाँ लिखा हुआ है, वाई एल एल डब्ल्यू येलो, नंबर बी में येलो लिखा है, तो हम लोग टू के साथ नंबर बी को मैच करेंगे, क्या करेंगे, नंबर टू को ई के साथ मैच करेंगे, हो गया। नंबर थ्री में क्या दिया गया है, ब्लैक, क्या है ब्लैक, ब्लैक कहाँ लिखा हुआ है, देखो नंबर बी में क्या है, डी एल ए सी के ब्लैक, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर थ्री को डी से मैच करेंगे, नंबर थ्री और डी को हम लोग मैच करेंगे, हो गया। ये है नंबर फोर ब्लू, क्या है ब्लू, ब्लू कहाँ लिखा हुआ है, बी एल यू इज ब्लू, नंबर ए में ब्लू लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, फोर और ए को हम लोग मैच करेंगे, हो गया। नंबर फाइव देखो पिंक, नंबर फाइव क्या है पिंक, तो यहाँ पे पिंक लिखा हुआ है नंबर टी में, पी आई एन के पिंक, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइव को डी के साथ मैच करेंगे, हो गया। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर टू, द सन इज अ डैश कलर, द सन इज अ डैश कलर, सन कौन सा कलर का है, येलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, येलो लिखेंगे, वाई एल एल डब्ल्यू येलो, क्या लिखेंगे, वाई एल एल डब्ल्यू येलो। देखो द ए रोज इज डैश,
color. She has dense hair. She has dense hair. Hair हमारा कौन सा color का होता है? Black color होता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? She has black hair. क्या लिखेंगे? She has black hair. हुआ? Rahul wears a dress shirt. Rahul wears a dress shirt. Rahul कौन सा shirt पहना है? Blue color का पहना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? Rahul wears a blue shirt. हो गया? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अपना कॉपी में लिखेंगे और बुक्स में भी लिखेंगे. हो गया? पेज नंबर 53. नंबर 1. मेक द कलर्स विद देयर नेम्स. मैच करना है. क्या करना है? मैच करना है. Black hair.
Yes, there are. What? Number 5. Number 5 kya hai? Rahul wears a dress shirt. Rahul kaun sa color ka shirt pehna hai? Blue color ka pehna hai. Picture dekho. Rahul wears a blue shirt. S-H-I-R-T. ये हमारा एक्सरसाइज क्या है एक्सरसाइज पेज नंबर 53 नंबर 2 स्क्रीन इन द बैक द सॉन्ग इज अ येलो कलर कौन सा कलर है येलो कलर ये रोज इज रेड रोज इज रेड नंबर 3 ये ट्री इज दिस कलर ग्रीन कलर सी है दिस क्या ब्लैक है राहुल वेयर्स ए दिस शर्ट ब्लू शर्ट हो गया ये था हमारा चैप्टर नंबर 25 कलर्स का एक्सरसाइज स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे कलर्स को याद करेंगे देखो ये हमारा रेड कलर ये है ग्रीन कलर ये है ब्लू कलर ये है येलो कलर ये है ऑरेंज कलर ये है व्हाइट कलर ये है ब्लैक कलर तो आप लोगों को पता चल गया हम लोगों का जो रेड कलर है एप्पल जो है कौन सा कलर का होता है एप्पल जो है वो रेड कलर का होता है ग्रीन कलर कौन सा है पैरट देखे हो आप लोग ट्री देखे हो पैरट और ट्री कौन सा कलर का होते हैं वो कौन सा कलर का होते हैं ग्रीन कलर का होते हैं वो ब्लू कलर का आप लोग टी शर्ट शर्ट पहनते हो फ्रॉक पहनते हो वो है ब्लू कलर येलो कलर सॉन नीचा हुआ येलो कलर सॉन कौन सा कलर का होता है येलो कलर का होता है ऑरेंज कलर आप लोग ऑरेंज खाए हो फ्रूट वो ऑरेंज कौन सा कलर का होता है ऑरेंज कलर का होता है व्हाइट पिक्चर देख रहे हो उसमें पिक्चर कौन सा कलर का है व्हाइट कलर का है ब्लैक बी एल एस के ब्लैक ब्लैक कौन सा है ये हमारा जो हेयर है ये हेयर हमारा ब्लैक कलर का है पिंक पिंक कौन सा कलर है देखो ये है हमारा पिंक कलर ये कौन सा कलर है पिंक कलर है हो गया तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे अपना इंग्लिश कॉपी में कलर्स का नाम लिखोगे और एक्सरसाइज को भी अपना इंग्लिश कॉपी में लिखोगे हो गया एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 25 आपका कंप्लीट हो गया कलर्स क्या है कलर्स को आप लोग क्या करोगे एक अपना स्पेलिंग के साथ उसको लर्न करोगे और अपना कॉपी में लिखोगे हुआ देखो रेड आर ई डी रेड आर ई डी रेड जी आर ई डी एन ग्रीन बी एल ओ ई W-Y-L-L-W, yellow, orange, orange, W-H-I-T, white, B-N-S-K, black, B-I-N-K, pink, what? तो इसको क्या करना है अपना इंग्लिश कॉपी में लिखना है और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज को बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है हुआ आपके लिए होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है पेज नंबर 53 में 52 एंड 53 बुक में और कॉपी में भी करोगे क्या है बुक में और कॉपी में दोनों में आप लोग इसको लिखोगे आपके लिए होमवर्क है पेज नंबर 52 एंड 53 इसमें करोगे बुक में पहले लिखोगे उसके बाद आप लोग कॉपी में लिखोगे और कलर्स का जो नेम है उसको आप लोग कॉपी में लिखोगे हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 26 जो है वो हमारा ओरल है क्या है कन्वर्सेशन ओरल है इसको कॉपी में नहीं लिखना है बस क्या करना है हो गया चैप्टर नंबर 26 क्या है ओरल है कन्वर्सेशन है ना चैप्टर नंबर 26 जो है माई क्लास जो है वो कन्वर्सेशन है हुआ ये उदाहरण है बस इसको याद रखना है नहीं लिखना है हो गया ये हमारा पेज नंबर 54 देखो इसको अब हम लोग करेंगे देखो इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी आई स्टडी इन क्लास आप लोग कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप लोग कौन सा क्लास में पढ़ते
How many students are there in your class? How many students? There are 25 students in our class. How many students? There are 25 students in our class. Who is your class teacher? Who is your class teacher? Mrs. Jayanti Biswal is our class teacher. Aapka class teacher kaun hai? Mrs. Jayanti Biswal is our class teacher. Who is your class monitor? आपका क्लास मॉनिटर कौन है? हम लोग तो चूज नहीं किए हैं, आप लोग जब स्कूल आओगे हम लोग मॉनिटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका नाम हम लोग लिखेंगे, वो याद करेंगे. Where does the teacher write in the classroom? Where does the teacher write in the classroom? The teacher uses a chalk to write. आप लोगों को टीचर जो आप टीचर जो लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं क्लासरूम में? किसमें लिखते हैं? किसमें लिखते हैं? चॉक में लिखते हैं. तो टीचर यूजेस ए चॉक टू राइट. लिखने के लिए टीचर क्या यूज करते हैं? चॉक यूज करते हैं, है ना. व्हाट डज द टीचर यूज टू चेक योर कॉपी? टीचर अपना कॉपी चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं कॉपी चेक करने के लिए टीचर क्या यूज करते हैं? पेन. क्या यूज करते हैं? द आवर टीचर यूजेस ए पेन टू चेक आवर कॉपी. व्हाट डू यू कॉल द अदर चिल्ड्रन स्टडी इन योर क्लास? आप लोग अपना फ्रेंड्स आप लोग क्लास में बाकी चिल्ड्रन जो है पढ़ते हैं आपके क्लास में उनको क्या बुलाओगे? क्या बोल के बुलाओगे? आई कॉल देम फ्रेंड्स. क्या बोलोगे? आई कॉल देम फ्रेंड्स. Should we make friends to our classmates? Should we make friends to our classmates? हम लोग हमारे जो क्लासमेट है उसके साथ फ्रेंड्स बन सकते हैं? बन सकते हैं कि नहीं? Yes, we should all be friends with each other. We should all be friends with each other. What? ये था हमारा चैप्टर नंबर 26 माइंड क्लास का कन्वर्सेशन. पेज नंबर 54 कंप्लीट हो गया आपका. पेज चैप्टर 25 भी कंप्लीट हो गया, 26 भी कंप्लीट हो गया. ओके, थैंक यू.